तो दोस्तों इस वीक का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन उस शोज के लिए बिल्कुल ही ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि ट्रैवल चीफ रोमन रेंस एंड सोलो सिकवा मिलकर उनका वो हाल करेंगे जिसे देखने के बाद WWE यूनिवर्स डर के मारे सम जाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो हम उसी के बारे में करेंगे बात, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों जैसा की 16 जून को हुए स्मैकडाउन में पहले जे उसो ने बिट्रिया कर रोमन रेंस पर जबरदस्त सुपर किक लगा दिया था और फिर द उसोस ने मिलकर अगेन डबल सुपर किक लगा दी थी रोमन रेंस को। और दोस्तों तब से लेकर अब तक ट्रैवल चीफ रोमन रेंस देखने को नहीं मिले। बीते स्मैकडाउन में जब रोमन रेंस नहीं थे तो सोलो सिकवा का मैच चल रहा था सेमस के साथ, उसी वक्त द उसोस ने आकर अकेले सोलो सिकवा पर सुपर किक की बरसात कर दी थी। इसके बाद सोलो सिकवा रिंग में बेहोश होकर पड़े हुए थे और वह द उसोस पर अटैक भी नहीं कर पाए थे। लेकिन अब जब इस हफ्ते के स्मैकडाउन में ट्रैवल चीफ रोमन रेंस की वापसी होने वाली है तो यह बात तो पक्की है कि वह काफी ज्यादा गुस्से में होंगे। और यह बात भी पक्की है कि ट्रैवल चीफ रोमन रेंस स्मैकडाउन में पूरा ध्यान द उसोस को सबक सिखाने पर लगाएंगे। यही रीजन है कि ऐसा लग रहा है कि रोमन रेंस स्मैकडाउन में रिटर्न के बाद सोलो सिकवा के साथ मिलकर द उसोस पर इस कदर हमला करेंगे जिसे देखने के बाद पूरा WWE यूनिवर्स डर के मारे सम जाएंगे और तो उसोस की हालत पूरी तरह से खराब हो जाएगी। दोस्तों आप सब हमें एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि मनी इन द बैंक में ब्लड लाइन सिविल वार में किस टीम की जीत होगी, टीम रोमन रेंस एंड सोलो सिकवा या फिर टीम उसोस की। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।